चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की लाहौर ऑफिस आमद, डीजी नैब शहजाद सलीम की बड़े करप्शन केसेस पर चेयरमैन नैब को ब्रीफिंग, चेयरमैन ने जरूरी हिदायत जारी की। मिशन क्लीन लाहौर, 41वें रोज लंडा बाजार, लोहा मार्केट और दीगर इलाकों की बारी, अमले ने छोटी और बड़ी मशीनरी से थड़े, शेड्स और दीगर तजावुजात मिसमार कर दी। अचानक ऑपरेशन पर लंडा बाजार में तजावुजात के जिम्मेदार मुंह तकते रह गए। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से 45वें कॉमन के जेर तरबियत पुलिस अफसरान की मुलाकात, अवाम में पुलिस का मनफी तासुर दूर करने के लिए इकदाम उठा रहे हैं। अवाम के मसाइल के हल के लिए पुलिस अफसरान अपनी भरपूर सलाहियतें बरोयकार लाएंगे, गवर्नर पंजाब। स्मोग और आलूदगी, आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दुनिया में पहला नंबर। शहर में मजमुई एयर क्वालिटी इंडेक्स 405 से तजावुज कर गया। गार्डन टाउन में सूरत हाल और भी खराब, एयर क्वालिटी इंडेक्स 471 की सतह पर पहुंच गया। अपर मॉल पर 405, गाजी रोड के इलाकों में 425 और बेदिया रोड पर 281 की सतह है। बैनुल अक्वामी इदारा माहौलियात के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स की हद 250 है, 300 की हद क्रॉस करने पर इमरजेंसी लगाना पड़ती है। शहर में स्मोग ने आहिस्ता आहिस्ता पंजे गाड़ने शुरू कर दिए, सूरज भी बादलों की ओट में गायब। अगले हफ्ते से पहले बारिश का भी कोई इम्कान नहीं, ठंडी ठंडी हवाएं, दर्जा हरारत में कमी से सर्दी भी बढ़ने लगी। लेस्को ने भी स्मोग और फोग से बिजली के तहसीली निजाम को बचाने के इकदाम शुरू कर दिए, ग्रिड स्टेशन और 132 केवी की तारों की मुरम्मत शुरू कर दी। शहर में स्मोग शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, मगर हुकूमत जवाब दाखिल करवाने से भी कासिर है। लाहौर हाईकोर्ट का इजहार बरहमी, अदालत का चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी माहौलियात को दोबारा नोटिस, जवाब दाखिल करवाने का हुक्म। पंजाब हुकूमत आगाह करे कि स्मोग के तदारुक के लिए क्या इकदाम किए गए, जस्टिस मजम्मिल अख्तर। गद्दारी के साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी और सहाफी सिरल मेडा लाहौर हाईकोर्ट पेश, एहतसाब अदालत पेशी के बायस नवाज शरीफ पेश नहीं हुए। क्या नवाज शरीफ ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी है? आइंदा समाअत पर नवाज शरीफ आए या फिर दरख्वास्त दें? जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच का हुक्म, समाअत 19 नवम्बर तक मुलतवी, केस में कोई जान नहीं, नैब जो कर रहा है सारा मुल्क देख रहा है। साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगु। लाहौर हाई कोर्ट पुलिस ऑर्डर 2002 पर अमल दरामद ना करने पर बरहम, 6 नवंबर 2017 का हुक्म था, अमल क्यों नहीं हुआ? अब तक पब्लिक सेफ्टी कमीशन क्यों नहीं बने? चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अनवारुल हक, पिछली हुकूमतों में वजीर आला को समरी भिजवाई थी लेकिन मंजूर नहीं हुई। सरकारी वकील, इस हुकूमत को क्या मसला है, क्यों अदालती हुक्म पर अमल नहीं हुआ? जस्टिस अनवारुल हक ने सेक्रेटरी कानून को 22 नवम्बर को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। नैब में गिरफ्तारी का डर, एक और अफसर ने हिफाजती जमानत के लिए अदालत से रजू कर लिया। साबिक चेयरमैन डीसी कामरा लशारी ने लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में चेयरमैन नैब और असिस्टेंट डायरेक्टर को फरीक बनाया गया। कामरा लशारी के खिलाफ सीडीए से मुतालिक तहकीकात की जा रही है। आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी को वर्दी पर बैजेस और रिबन गलत लगाने पर तंकीद का सामना, अपनी ही फोर्स के अहलकारों ने सोशल मीडिया पर तंकीद शुरू कर दी। बैजेस ना लगाना मामूली बात या फिर काबिले सजा? सोशल मीडिया पर हर अहलकार की अपनी अपनी राय, सवालात के अंबार लगा दिए। एलडीए के चौकीदार का सिर्फ एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में हुआ तबादला, सूबाई वजीर ने ट्रांसफर रोकने के लिए सिफारिश कर दी। वजीर इंसानी हकूक एजाज असलम का डीजी एलडीए को सिफारिशी मुरासला, कोई लेटर नहीं लिखा, किसी ने दस्तखत ना करा लिए हो, वजीर का मौकिफ। एडहॉक पर भर्ती होने वाला कोई डॉक्टर नौकरी से फारिग नहीं किया जाएगा, डॉक्टर यास्मीन राशिद का ऐलान।
वजीर सेहत का जिले अस्पतालों से बड़े इजलाक को बिला वजह मरीज रेफर करने पर इशारे बरहमी। स्पेशलिस्ट की तजवीज के बगैर सीरियस हालत में मरीज को रेफर करना खतरनाक हो सकता है। वजीर सेहत का वीडियो लिंक सीईओ हेल्थ कॉन्फ्रेंस से खिताब। हुकूमत मान रही है ना ही अफसरान पीछे हट रहे हैं। पीएमएस अफसरान के अलामती एहतजाज का आज 11वां रोज, मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। पीएमएस अफसरान लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक जिमनी इम्तिहान के नतायज का ऐलान कर दिया। 25,700 उम्मीदवारों में से 11,700 कामयाब, कामयाबी का तनासुब 45% रहा। सोना आया ते सज गए गलियां बाजार। ईद मिलादुन नबी मनाने की तैयारियां अरूज पर। गणपत रोड पर सजावटी अशिया की खरीदारी के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स पर शहरियों का रश। फजा दरूदो सलाम की सदाओं से मुअत्तर हो गई। पीपी 168 जिमनी इलेक्शन, उम्मीदवारों की इब्तदाई लिस्ट आज आवेजा की जाएगी। 25 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा रखे हैं। निशित साद रफी के मेंबर कौमी असेंबली बनने पर खाली हुई थी। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपी में तकरीब। सूबाई वजीर सनत मियां असलम इकबाल मेहमान खुसूसी थे। खेलों में कारकर्दगी दिखाने वालों में इनामात तकसीम किए। और अदाकारी में कमाया नाम, अब गुलकारी में बनानी है पहचान। स्टेज की मारूफ अदाकारा मेगा के पहले गाने दिलदार जी का टीजर जारी।